More hype, more craze for one smartphone, and this is Samsung Galaxy F62. Hype थोड़ा ज्यादा ही हुआ था, तारीफ भी थोड़ा ज्यादा ही हुआ था। क्या सही में यह स्मार्टफोन एक नंबर है? आज Samsung Galaxy F62 मेरे पास आ चुका है और ये 6GB 128GB वाला वेरियंट है। Samsung Galaxy F62 का अनबॉक्सिंग तो जरूर करूंगा, साथ में मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन एंड अनबायस्ड रिव्यू इस वीडियो में शेयर करूंगा। मेरा नाम है सुमन, तो चलो शुरू करा जाए। तो दोस्तों Samsung Galaxy F62 जिसका कीमत 23,999, अब ये जो वेरिएंट है मेरे पास 6GB 128GB और स्मार्टफोन भी मेरे पास है ये ग्रीन वाला। आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब ये जो स्मार्टफोन है, पहले आपको ये कह दे, जब मैंने इसको जस्ट बूट किया और फास्ट जब इसको देखा तो स्मार्टफोन अच्छा ही लगा, पर मैसेज जो ऐप है उसमें मुझे कुछ डिफरेंट लगा। यानी इस बार सैमसंग का मैसेजिंग ऐप नहीं है, इस बार गूगल का मैसेजिंग ऐप यहां पे प्रोवाइड किया है। तो शायद डायलर भी कुछ दिन बाद आपको ना देखने को मिले, पर सैमसंग को यही कहना चाहता हूं, वन यूआई का और एक बहुत अच्छा फीचर्स जो है ना, वो डायलर एंड मैसेज। ये स्मार्टफोन जब मैंने लिया तो तुरंत कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट किया इसमें, क्योंकि हाइप ज्यादा था इस स्मार्टफोन को लेकर और वो था इसका प्रोसेसर। कहा जा रहा था फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर, हाँ 2 साल पुराना वाला प्रोसेसर, पर 2 साल हो चुका है, क्या अभी भी ये सही है? मैं कहूंगा एकदम राइट। अब उससे पहले मैं आपको 2 चीज कह दूं, एक तो इसमें हीटिंग इशू आ रहा है कैमरा के आसपास, जब आप बहुत ज्यादा इसको हेविली यूज कर रहे हो तब, अब उतना भी ज्यादा नहीं, 42 डिग्री के आसपास, पर प्रोसेसर कैपेबल है। अब इस स्मार्टफोन में आप अगर हेवी टास्क करते हो, मल्टीटास्क करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, रेंडरिंग करते हो, 855 से स्नैपड्रैगन का ये थोड़ा बहुत आगे ही जाता है। यानी इसका जो ऑप्टिमाइजेशन वो मुझे काफी बेहतर लगा और आपके डे टू डे यूसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस फोन में प्रोसेसर क्या है, एक्साइनोस का 9825 7nm टेक्नोलॉजी पे है, इसीलिए इसका बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा मिलेगा। हाँ, इसका गेमिंग रिव्यू और फुल रिव्यू भी आएगा, पर जितना मुझे लगा एकदम इसको यूज करने के बाद, हाँ वीडियो एडिटिंग हो गया, गेमिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं आना चाहिए। तो सही में ये स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। अब यहां पे और एक चीज कह दे, ओ माय गुडनेस, अनबॉक्सिंग। तो पहले आपको मेन डिवाइस मिलेगा ग्रीन कलर में, उसके बाद आपको एक चार्जर मिलेगा जो 25 वॉट का है, उसके बाद आपको मिलेगा एक टाइप सी एंड टाइप सी दोनों ही तरफ एक डेटा केबल और एक छोटा बॉक्स मिलेगा जहां पे आपको सिम इजेक्ट पिन मिलेगा, साथ में सैमसंग का लव लेटर्स यानी कुछ वारंटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड गाइड्स, यानी ये सब कुछ मिला के, डॉक्यूमेंट्स मिला के ये आपका सैमसंग गैलेक्सी F62। अब जब ये फोन को मैंने पकड़ा ना तो काफी बेहतर फील हुआ। हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M51 भी मैंने यूज किया है, उसका इनहैंड फील थोड़ा सा ज्यादा मुझे अच्छा लगा था और ये थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का है और यहाँ पे आपको अगर इसका वेट कह दे तो 7.069 के आसपास आपका ये वेट है, तो काफी हल्का भी नहीं है, काफी भारी भी नहीं है, पर वेट डिस्ट्रीब्यूशन सैमसंग का बहुत तगड़ा लगा इसमें। अब सैमसंग इसको कहता है ग्लास्टिक डिजाइन, भाई डिजाइन इस बार M51 से काफी बेहतर ही लग रहा है। हाँ, पीछे में आपको कुछ स्ट्राइक मिलेगा, कैमरा का जो शेप है वो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा मोटो से इंस्पिरेशन मिला है और यहां पे आपको एक साइड में फ्रेम भी दिया गया है सैंडविच जैसा, पर यहां पे कौन से वहां पे सुमुंदा है। यहां पे आपको जो ग्लास्टिक मिल रहा है वो देखने में तो बेहतर लग रहा है, पर यहां पे आपका फिंगर प्रिंट जो है ना वो बहुत ज्यादा आ रहा है, स्मजेस आ रहा है और स्केचेस तो आएगा ही, तो इसीलिए आप एक बैक केस भी जरूर यूज करना। सैमसंग नहीं प्रोवाइड करता है बैक केस उसके जो बॉक्स उसके साथ। अब इस फोन में आपको कुछ ओवरव्यू अगर देखोगे तो एक साइड में आपको एक सिम ट्रे मिलता है, बढ़िया चीज, यहां पे आपको 2 सिम और 1 माइक्रो एसडी कार्ड
यूज करने का मौका भी मिलता है और एक साइड में आपको वॉल्यूम अप्स एंड डाउन बटन, पावर बटन और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर के हिसाब से भी काम करता है। और इसी के साथ आप बिक्सबी का यहाँ पे यूज कर सकते हो। नीचे में आपको टाइप सी और एक 3.5 जैक, एक प्राइमरी यहाँ पे माइक और यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल मिलेगा, ऊपर में एक नॉइस कैंसलेशन माइक। अब इसका डिस्प्ले, भैया ये इसका एक तगड़ा पॉइंट है और सैमसंग को मैं इसीलिए प्रेफर करता हूँ और आप में से बहुत सारे लोग भी, भाई कितने सारे लोग मुझे प्रेफर कर रहे हो, भाई एक चांस दो। अगर अच्छा लगता है कुछ दिन बाद तो ज़रूर टिके रहो और अगर अच्छा नहीं लगता है तो अनसब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कमेंट जरूर छोड़ना। तो इसका डिस्प्ले भैया बहुत काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको सैमसंग में जो मिलता है F62 में सुपर एमोलेड प्लस। अब भला ये क्या चीज़ है? देखिए ये कुछ ऐसा है कि भाई इसमें आपको थोड़ा सा थीन जैसा डिस्प्ले मिलेगा, यानी पतला करना है ना फोन को। और इसी के साथ यहाँ पे आपको 420 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। तो मैं आउटडोर में ही हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ और क्वालिटी ऑसम। एजियर 10 का सपोर्ट दिया गया है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी है, पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ का प्रोटेक्शन। भाई इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देना चाहिए था, अब क्यों नहीं दिया सैमसंग ने? भाई कॉस्ट कटिंग। तो डिस्प्ले में यहाँ पे एक छोटा सा पंच होल भी आपको मिलता है जो आपको बॉदर नहीं करेगा, पर अगर साइज देखोगे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा आपको। और इसका जो एजेस ये भी काफ़ी कम है, बेजल लेस जैसा है 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो डिस्प्ले एकदम झक्कास। अब इसमें आपको जो UFS स्टोरेज टाइप मिलता है वो 3.0 और LPDDR4 रैम टाइप। तो स्पीड आपको बढ़िया मिलता है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है और रैम मैनेजमेंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब इसका और एक चीज़ आपको कहते हैं जो साउंड, हाँ स्पीकर क्वालिटी अच्छा होना चाहिए एक स्मार्टफोन का, तभी तो वो मल्टीमीडिया कहेगा। तो यहाँ पे साउंड को लेके मुझे थोड़ा सा शिकायत है, M51 में मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा था। और एक चीज, आपको डॉल्बी सराउंड साउंड का ऑप्शन भी मिलता है और 3.5 mm जैक से भाई साउंड क्वालिटी काफी तगड़ा आता है। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर कह लो काफी बढ़िया, इसका फेस अनलॉक कर लो ये भी काफी बढ़िया और दोनों ही काफी अच्छे से काम अच्छा ही कर रहा है। अब इस फोन में आपको कैमरा, भैया इस फोन में आपको कैमरा भी तगड़ा दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद सोनी IMX686, उसके बाद एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप और सामने में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। देखिए सेल्फी कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक ठाक है, थोड़ा सा सॉफ्ट दिखता है और ब्यूटिफिकेशन मोड सब हर वक्त ये ऑन ही रहता है। और पीछे का कैमरा भाई सुपर, यहाँ पे आउटडोर में भी आपको अच्छा मिलेगा प्राइमरी सेंसर से, 64 मेगापिक्सल से भी अच्छा मिलेगा, अल्ट्रा वाइड से अच्छा मिलेगा, मैक्रो से अच्छा मिलेगा और पोर्ट्रेट मोड भी अच्छा है। इस कैमरा में आपको बहुत सारे फीचर्स दिया गया है जैसे नाइट मोड, सुपर स्लो मोशन, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 30 FPS में कर सकते हो, फ्रंट कैमरा से भी 4K वीडियो आप ले सकते हो और यहाँ पे बिक्सबी विजन वो भी आपको मिलता है और पोर्ट्रेट मोड में भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पर उसका क्वालिटी बहुत खास है ऐसा नहीं लगेगा, थोड़ा सा आर्टिफिशियल है और जब मैं ये कर रहा था तो थोड़ा सा जर्किनेस मुझे इसमें मिल रहा था, तो शायद सॉफ्टवेयर अपडेट में ये ठीक हो जाए। और एक लेटेस्ट अपडेट भी आया है, उसके बाद कैमरा का जो परफॉर्मेंस वो थोड़ा सा बेहतर हो चुका है। इसका बैटरी, भैया 7000 mAh का बैटरी दिया गया है और ये आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप जरूर देगा। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, अगर आप हेवी यूजर हो, काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो और बहुत गेम खेलते हो तो आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप तो जरूर मिलेगा। और साथ में यहाँ पे 25 वाट का फास्ट चार्जर, 1 घंटे के ऊपर ये लगाता है समय चार्ज करने में। अब इसका और एक चीज कहते हैं रिवर्स, आप जो बैटरी को चार्ज वो भी कर सकते हो। और इसका UI भाई ये मुझे काफी अच्छा लगा और इसीलिए मैं सैमसंग को प्रेफर करता हूं। और इसमें इस बार आपको जो वन UI कोर वो नहीं दिया गया है, आपको एक वन UI का यहाँ पे जो ओरिजिनलिटी वो मिलेगा, आपको यहाँ पे नॉक सिक्योरिटी मिलता है, आपको यहाँ पे जो सिक्योर फोल्डर वो मिलता है, आपको यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक अच्छा मिलता है,
आपको यहां पे सैमसंग का पे में नहीं मिलता है, एनएफसी दिया गया है, आपको यहां पे बिक्स बी मिलता है, आपको एज पैनल मिलता है और आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। गुड लॉक भी यहां पे सपोर्ट करता है, पर उसके लिए आपको फाइन लॉक एंड्रॉइड का जो प्ले स्टोर है उस पे आपको जाना होगा, उसको इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ये काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो ये था ओवरऑल एक सैमसंग का गैलेक्सी A62। तो मुझे कैसा लगा, देखिए हर एक चीज को देख के मुझे अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में, और कैरियर एग्रीगेशन नहीं है ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगा। कॉल क्वालिटी काफी बढ़िया, और इसमें आपको नेटवर्क ड्रॉप जो 51 पे वाईफाई का इशू चल रहा था, नेटवर्क का इशू चल रहा था, वो इस पे नहीं है, तो काफी बेहतर है। देखिए अगर आप वन यूआई लवर हो, आपको वन यूआई एकदम ए सीरीज के जैसा चाहिए और नोट या ए सीरीज के जैसा, तो आप ये ले सकते हो। आपको सुपर एमोलेड चाहिए, आपको कैमरा बेहतर चाहिए, बैटरी बैकअप बेहतर चाहिए, तो और थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी अच्छा चाहिए, तो M51 से ये सैमसंग गैलेक्सी F62 काफी बेहतर होगा। पर अगर आपको 5G चाहिए तो ये स्मार्टफोन में आपको इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 5G मिसिंग है और इस प्राइस में बहुत सारे बैंड आपको 5G दे रहा है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट रिव्यू, अनबायस्ड रिव्यू एंड ओपिनियन। आगे जाके इसका फुल रिव्यू आएगा, बहुत सारे स्मार्टफोन के साथ इसका कंपैरिजन भी मैं लेके आऊंगा।